hello everybody a very good morning my name is satyam jain i welcome you back to understand upsc and if you are new here then i welcome you for the first time so today this is a like major video for the people who are giving prelims 2024 a major video why because in this we are going to solve a problem once and for all so you must have heard various toppers and various rankers and you must have felt it yourself that the All India mocks that are conducted by various coaching institutes throughout India are actually not of the UPSC standards and the UPSC patterns. And there are a lot of vague statements, there are a lot of tough questions, there are a lot of questions that are asked from areas which UPSC would never ask questions from. The point is that there was no alternative to these, and that is why even I had to give you to attempt such papers and such tests. But each time when I saw demotivating messages, right let me tell you something uh, even air 1 uh, shubham sir he was air 1 two years two three years back even he said that in his abhyas paper he scored like maybe say 30 or 40 marks i don't know exactly remember or like highest of 70 marks but in his actual prelims paper he scored much higher so why is this so this is because नो इंस्टीट्यूट ट्राइज टू मे अ पेपर ऑन द यू पी एस सी पैटर्न और दे कैन भी वेरियस एक्सप्लेन टू वाइड दे डू दिस फॉर एग्जाम्पल वन एक्सप्लेनेशन इज टू क्रिएट अट ऑफ फोमो अगर आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे तो आप उनके कोर्सेज परचेज करेंगे ये देखने के लिए कि यार कुछ इम्प्रूव हो जाए मतलब अगर आपके मार्क्स कम आएंगे है ना अगर आप इफ़ यू स्कोर लेस तो आप उनके जाके कोर्सेज परचेज करेंगे कि ये हो सकता है रीजन दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वो अपने ही मटीरियल से टेस्ट बनाते हैं कि कम से कम ये दिखे कि हाँ जो हमारे बच्चे हैं वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं राइट सो अगेन दैट कुड बी एन इशू थर्ड इज इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट नॉट जस्ट मॉनिटरी वो तो उनके पास काफी है बट इन्वेस्टमेंट इन द टर्म्स ऑफ लाइक इनोवेशन और केयरिंग अबाउट द स्टैंडर्ड्स एंड द पैटर्नस सो दीज आर थिंग्स एट आई थिंक आर लैकिंग सो टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम For the 2024 prelim students and even beyond that. Uh, we built a team of people who have scored like I say 100 plus, 110 plus in mains. And they have came up with three simulator tests. Which means one simulator test means one GS plus one CSAT. Okay, and these will be conducted on three Saturdays, that is 18th. 25th and 1st of june now the differentiating factor of these tests is that they are entirely based on upsc patterns upsc pyqs upsc patterns now what does this mean that is the holding areas from which upsc asks questions they will be included here the type will be included here the patterns and trends will be included here

इसलिए और दूसरा एक फिलोसोफिकल रीजन ये है कि आपको लगना चाहिए कि यू आर अ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस राइट तो आप इसको अटेम्प्ट करिए प्लीज सीरियसनेस से ऐसे नहीं कि आपने कहीं और हज़ार रुपए दे के अटेम्प्ट किया सीरियसनेस से बट आप इसको नहीं करेंगे प्लीज डोंट डू दैट देर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट हैज लाइक वेंट बिहाइंड मेकिंग दीज टेस्ट एंड स्टिल द टीम इज वर्किंग मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो भी टीम वर्क कर रही है नाउ हाउ टू अटेम्प्ट अटैम्प्टीज टेस्ट लेट मी टेल यू अबाउट दैट

यू हैव टू क्लिक दिस ये अंडरस्टैंड एग्जाम अपडेट्स में आपको दिख जाएगा अंडरस्टैंड टेस्ट सीरीज ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड अंदर या फिर आप स्टोर में जा सकते हैं देर इज अ होम बटन एंड देर इज देर इज स्टोर बटन यहाँ स्टोर पर चले जाइएगा वहां पर आपको ये दिखेगा सीधा अंडरस्टैंड टेस्ट सीरीज ओके यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस एंड यू हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ रुपी वन कुछ लोग अब इस बात पर मत गालियाँ देना यार कि पहले बोला तो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे अभी रुपए वन ले रहे हैं प्लीज़ डोंट डू दैट क्योंकि लाइक like, मेरे लिए uh, पॉसिबल नहीं था वो ऐप में जीरो लेता ही नहीं है जीरो रुपीस लेता ही नहीं है वो कहता है कि नहीं जीरो नहीं लूँगा तो दिस इज़ द बेयर मिनिमम दैट आई कुड लाइक पुट अप सो इस पर प्लीज़ गालिया मत देना कोई सो या वंस यू गो टू द स्टोर यू परचेज दिस पर्टिकुलर अंडरस्टैंड टेस्ट सीरीज़ सो या दैट इज़ वट आई वॉज सेंग दिस इज यू पी स्टैंडर्ड ऑल इंडिया प्रलम्स ट्वेंटी ट्वेंटी टेस्ट सीरीज दैट यू कैन गो एंड वंस यू डू दैट आपके कोर्सेज में इस तरीके से वो डिस्प्ले होने लगेगा द अंडरस्टैंड टेस्ट सीरीज़ देन इन साइड दैट यू विल फाइन थ्री फोल्डर्स वाई पी एल पी 18th वन ओन एटीन में टू ऑन ट्वेंटी फिफ्थ में एंड थर्ड ऑन फर्स्ट ऑफ जून तो इनके अंदर फोल्डर के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपके टेस्ट आपको दिखेंगे अभी मतलब आपको शायद ना दिखे वो आपको तभी दिखेंगे जिस दिन वो पर्टिकुलर डे है फॉर एग्जांपल ट्वेंटी फिफ्थ में तो ट्वेंटी फिफ्थ मे को ही वो टेस्ट दिखेगा आपको ओके okay? समझ में आ गया फॉर पीपल हु यूज आईओएस ओ यानी कि एप्पल के प्रोडक्ट्स जो यूज करते हैं आप अपने ऐप स्टोर पे जाएंगे सो यू विल फाइंड अ माई इंस्टीट्यूट ऐप ओके यू हैव टू गो इन द माई इंस्टीट्यूट ऐप और ऐसा दिखता है देख लो है ना एंड देन यू हैव टू लॉग इन विद एन और कोड द ओर कोड इज जेड ए एच जेड ई ओ ओ जेड ए एच जेड ई ओ ये आप ओर कोड डाल दीजिएगा और अपना नंबर डाल दीजिएगा आपका लॉग इन हो जाएगा वंस यू लॉग इन तो आपके लिए भी सेम प्रोसेस है स्टोर में जाइएगा और ये टेस्ट आप अटैम्प्ट कर सकते हैं मतलब इसको एक रुपये दे के आपको परचेज़ करना पड़ेगा एंड देन यू विल बी एबल टू Attempt it मतलब you will be getting the access to all the three simulator tests that will be conducted on these days. Now थोड़े इसके technicalities samajh lo the test will be conducted on the application itself. It will start on Saturday 9 a.m. and it will end on Sunday 9 p.m. ठीक है एक 36 घंटे की window बनाई है हमने इसी में आप test attempt कर पाएंगे दोनों test आप अपने इसी 36 घंटे window में आपको attempt करने है राइट right? मेरा सजेशन यही है कि संडे नाइन टू इलेवन एंड टू टू फोर वाले स्लॉट्स में ही पे टेस्ट दें रेदर संडे रेदर सॉरी सैटरडे नाइन थर्टी टू इलेवन थर्टी दें दैट वुड बी इवन क्लोजर टू द यूपीएससी स्टैंडर्ड्स नाइन थर्टी टू इलेवन थर्टी आप ये टेस्ट अटैम्प्ट करें और फिर दो से चार वाले स्लॉट में आप सी सेट का टेस्ट अटैम्प्ट करें ओके सी सेट का टेस्ट बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार जी के में तो लगती ही है सी सेट के में बहुत मेहनत लगती है So, like the team has worked really hard and I want you to you know go ahead give these tests तो ये थर्टी सिक्स आर की विंडो में अगर आप टेस्ट दे देंगे तो आपको आपकी स्कोर डिटेल स्कोर सब कुछ मिल जाएगा शायद रैंकिंग्स और लीडर बोर्ड्स अभी हम सोच रहे हैं कि दिखाने की नहीं दिखाने तो वो देख लेंगे बाकी जो भी लोग टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे उनको एक डिटेल पीडीएफ भी मिल जाएगी जिसमें डिटेल सोल्यूशन होंगे और क्वेश्चन पेपर होगा या ना यू पी एक्जैक्टली यू पी जैसे वो दो डिवाइड करके वो सब देता है ताकि आप यू you नो know, उसका प्रिंट लेके एक बार दोबारा उसको अगर कर अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो जो भी इस थर्टी सिक्स आर विंडो में इस टेस्ट को अटैम्प्ट करेगा बहुत ही यूजर फ्रेंडली यू है आप बहुत आराम से स्क्रोल कर सकते हैं मार्क कर सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं पीछे आ सकते हैं बहुत यूजर फ्रेंडली है वो वी हैव बुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन मेकिंग श्योर ऑफ दैट एंड इफ़ यू हैव एनी इशूज़ इन किसी भी किसी भी क्वेश्चन में उसके आंसर में सोल्यूशन में दो वी हैव लाइक ऑलरेडी रिव्यूड मैं कल रात से तीन बार रिव्यू कर चुका हूँ तो आई डोंट थिंक मतलब इशूज़ आने चाहिए बट फिर भी टू एररूमन टू एरर इज ह्यूमन एंड वैसे भी पहली बार है हमारा तो वी विल फ्लोट अ फीडबैक फॉर्म देट यू प्लीज़ फिल एंड और इफ़ यू फाइंड एन इशूज यू कैन मेल अर सेट अंडरस्टैंड यू पी एस सी एग्ज़ाम एट जी मेल डॉट कॉम अंडरस्टैंड यू पी एस सी एग्ज़ाम एट जी मेल डॉट कॉम Understand यू पी एस सी एग्जाम एट जी मेल डॉट कॉम ओके इस पर आप मेल करके बता सकते हो कि सर इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में इशू है या फिर अगर आप किसी अंडस्टैंड यू पी एस सी के ग्रुप में हो तो वहाँ पर टैग कर सकते हो और अगर कुछ हमसे गलती हो भी जाए किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर में तो प्लीज़ गालियाँ मत दीजिएगा है ना पहली बार है बहुत मेहनत से कर रहे हैं और सीखेंगे ही यहाँ से सीखेंगे आपके लिए और अच्छी चीज़ें करेंगे बट यहाँ पर भी बहुत अच्छा करने का ट्राई किया है सो आई लाइक वॉन्टेड टू गो ट्राई दिस टेस्ट आउट एंड यू विल रियली बेनिफिट फ्रॉम इट क्यों क्योंकि आपका दो तीन चीज़ें हैं सबसे पहले अगर आप डिमोटिवेटेड हैं तो किसी भी ये मतलब ऐसे ऑल इंडिया मॉक जो भी होते हैं नाम तो कह लेना है बट उनको देखे अगर आप डिमोटिवेटेड हैं तो वो दूर हो जाएगा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा आपको पता चलेगा कि आप अपनी प्रिपरेशन में जब राइट प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है देन आपका माइंड से ट्रेन हो जाएगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर क्यों करवा रहा हूँ मैं अभी ये इन पंद्रह दिनों में आपको अपना माइंड सेट यू पैटर्न पर लेके आना है सेवेंटी फाइव नहीं फिफ्टी है इन फिफ्टीन डेज़ में आपको अपना माइंड सेट यू पैटर्न पर लेके आना है ताकि फिर अगले फिफ्टीन डेज़ में है ना एक जून के बाद आपको कोई मौक़ देना ही नहीं है तो एक जून के बाद नहीं दे रहा है तो एक जून से सोलह जून क्या करना है सिर्फ यू पी एस सी पी वाई के करने हैं तो जो भी मौक़ है वो इससे पहले ही देना है एंड आई आई कैन लाइक गारंटी दिस कि ये मौका आप दे दोगे आपको कोई और मौक़ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी तीन इसलिए कंडक्ट कराए हैं कि किसी को देने भी है ज़्यादा तो वो तीन दे सके ओके okay, एक चीज़ के लिए यार माफ़ी जाऊँगा एटलीस्ट पहला जो टेस्ट है वो हिंदी में नहीं करा पा रहे हैं आई एम रियली सॉरी फॉर दिस मतलब वही आर रिसोर्स की बात है वी डो नॉट हैव दैम वी डो नॉट हैव अ हिंदी टीम एंड ऑल बट यार मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कैसे भी करके कुछ भी करके आगे वाले टेस्ट ट्राई करूँ प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कोशिश पूरी करूँगा अगर आप इंग्लिश में अटैम्प्ट कर सकते हैं तो देख लीजिएगा एल्स मतलब मैं क्या ही बोलूँ लाइक इट्स इट्स अप टू यू नाउ आई एम रियली सॉरी आई मेरे को बहुत खराब लगता है जब मैं कोई चीज़ ऐसी बायरिंग प्रोवाइड नहीं कर पाता हूँ बट आई हैव माई कंस्टेंस आई डो नॉट हैव पीपल आई डो नॉट है रिसोर्सेज तो उसकी दिक्कत है तो खैर ये चीज़ है प्लीज़ गो एंड अटेम्प्ट टेस्ट एंड डू लेट एस नो हाउ डू यू फील प्लीज़ लिक ऑन द एंड्रॉड एप्लीकेशन एंड द आई ओ एस के लिए मैंने बता दिया गो अटेम्प द टेस्ट आई एम रियली लुकिंग फॉर्वर्ड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूर फीडबैक पहली बार कर रहे हैं बहुत मजा आया टेस्ट बिल्ड करने में बहुत रिसर्च गया है इसमें नाउ इट इज़ अप टू यू आपके हाथ पे हैं और जैसा आपको सही लगेगा आप हमें बता सकते हैं ऑल राइट सो बस गिव योर लास्ट यू पी एस सी प्रिलम्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर मॉर्स ऑन यू पी एस सी स्टैंडर्ड्स विद अंडरस्टैंड यू पी एस सी थैंक यू सो मच टेक केयर दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम जय हिंद वंदे मातरम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू ऑल गिविंग द टेस्ट एंड ग्रोइंग टुगेदर लर्निंग टुगेदर एंड परफॉर्मिंग अमेजिंगली वेल इन दीज टेस्ट बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड बेस्ट ऑफ लक बेस्ट ऑफ लक बोल दिया सॉरी ओके थैंक यू टेक केयर